सर्वेभ्यो नमः। मैं राजेश्वराचार्य संस्कृतम एक वीडियो में पहले बनाया था, प्रसिद्धि का रोग और शांतिमय जीवन का आनंद, तो बहुत लोगों को अच्छा लगा। कई लोग जो हमारे शुभचिंतक हैं उनके फोन आए और वे लोग मुझसे बताए कि गुरुजी इसके आगे इसी विषय पर कुछ और बोलिए। तो मेरे मन में आया कि ठीक है, आप सबके कहने पर मैं एक और वीडियो बना दे रहा हूँ, प्रसिद्धि का रोग और शांतिमय जीवन का आनंद। तो प्रसिद्धि के रोग पर ही मैं ज़्यादा बोलूँगा क्योंकि इसके रोगी बहुत ज़्यादा हैं। सोशल मीडिया पर चारों तरफ जो है प्रसिद्धि पाने का रोग फैल चुका है वर्तमान समय में। ये ऐरे गैरे नथू खैरे जो भी आ रहे हैं, नंगा नाच कर रहे हैं, अनेक प्रकार से अनावश्यक बोल रहे हैं, एक दूसरे की निंदा कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, न जाने क्या क्या दिखलाते भी हैं वीडियो में। और मैं बिहार में कहूँगा कि गाँव के लोग, कुछ ऐसे लड़के हैं उन गाँव में कि गाँव के लोग भी जो है उस तरह के वीडियो देखना पसंद नहीं करते हैं। इतनी नग्नता फैली है, अश्लील गाने गाते हैं, अश्लील वीडियो बनाते हैं, ये सब प्रसिद्धि का रोग है कि कैसे जो है हम फेमस हों, कैसे वायरल हों। वायरस घुस गया है इसलिए वायरल होने के फिराक में गंदे गंदे आचरण दिखलाते हैं। संस्कृति, हमारा समाज किधर जा रहा है, बहुत कष्ट की बात है। और प्रसिद्धि के लिए एक से एक पंडित, साधु, संत, महात्मा भी प्रसिद्धि पाने के फिराक में न जाने क्या क्या हरकतें करते रहते हैं। जो असली साधु संत महात्मा हैं मैं उनके लिए कभी कुछ नहीं बोलता, लेकिन जो पाखंडी हैं, पाखंड से घिर चुके हैं, या कुछ ऐसे नौटंकीबाज जो ब्राह्मण की वेशभूषा में या साधु संतों की वेशभूषा में नाटक नौटंकी कॉमेडी करते रहते हैं और बदनाम करते हैं, उन अच्छे संत अच्छे लोगों की बदनामी करते रहते हैं, संतों की बदनामी करते रहते हैं, बाबाओं की बदनामी करते रहते हैं। जो लोग अच्छे हैं उनको बहुत पीड़ा होती है, बच्चा तुम्हारे बुरी हरकतों से, तुम वायरल होना चाहते हो ताकि फेसबुक से यूट्यूब से तुम्हारे पास धन आए। लोभी लालची, धन कमाने के चक्कर में तुम समाज को विकृत कर रहे हो। ऐसे ही एक धन लोभी तिवारी बाबा मेरे पास आ गए, उनको भी प्रसिद्धि का रोग लगा था और हमसे कहे गुरुजी हम क्या करें कि थोड़ा फेमस हो जाएं, धन बढ़ जाए। मैं कहा कि किम किम न करोति पापम, पाप जब घुस जाता है जिसके भीतर, वो क्या से क्या काम नहीं करवा सकता। कौन ऐसा काम है धरती पर जो बच जाए। जब पाप घुस जाता है, पाप का उद्भव और विकास होने लगता है, तो पाप पुनः पाप करवाता है। और लोभियों के लिए यह अभिशाप है क्योंकि वह लोभ से ग्रस्त अनेक प्रकार की बुराइयों को करने में वह आगे आगे दौड़ते रहता है कि हम ये पा लें, हम वो पा लें, और प्रसिद्धि पाने की लालसा में बहुत बड़े बड़े बुरे बुरे कार्य करने पड़ते हैं। तो इन रोगियों की व्यथा भी बहुत निंदनीय है, उनका जीवन भी बहुत ही अद्भुत निंदनीय है। बच्चा सुन रहे हो? हाँ। अब तिवारी बाबा आए, अपना दुखड़ा सुनाए, प्रसिद्धि का रोग लगा हुआ था। तो मैंने कहा कि आप क्या प्रसिद्ध होना चाहते हैं? उन्होंने कहा, हाँ गुरुजी किसी भी तरह से कृपा कर दीजिए कि मैं प्रसिद्धि को प्राप्त हो जाऊं। मैंने कहा, हंसी मजाक में ही मैंने उनसे कहा कि प्रसिद्धि पाने के लिए सिद्धि करनी पड़ेगी, सिद्धि के लिए साधना करनी पड़ेगी। तो कहे गुरुजी कैसे जो है हमको सिद्धि मिलेगी? तो मैंने कहा कि इसके लिए श्मशान में जाना पड़ेगा, बहुत हिम्मत करनी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा, गुरुजी मैं कमर कस लिया हूं, जल्दी से बताइए श्मशान में क्या करना है मुझे। मैंने कहा, दो चार श्मशानी बाबाओं से संपर्क करिए, आगे वे मार्गदर्शन करेंगे। तो तिवारी बाबा ने कहा, ठीक है गुरुजी,
गए और न जाने कहां कहां संपर्क किया, उनके क्षेत्र में जो श्मशान था उन्होंने खोज निकाला और दो अपने सहायक मित्र पंडित को बुला लिया और कहे कि हमको श्मशान में साधना करनी है, तुम दोनों भी चलो मेरे साथ। तो वे दोनों कहे ठीक है, चलते हैं। वे दोनों ले जा करके पहुंचा दिए उनको श्मशान में और दोनों निकल के आ गए बाहर। और जहां पुलिस बैठती है सुरक्षा के लिए, उन दो पुलिस वालों से आके वे दोनों पंडित कह दिए कि श्मशान में एक बाबा पता नहीं क्या क्या कर रहा है, जाइए आप लोग देखिए। तो वे दोनों पुलिस वाले पहुंचे और बाबा से पूछे कि क्या हो रहा है। बाबा ने कहा साधना सिद्धि। तो उन सबों ने बहुत डंडे लगाए, बहुत पिछवाड़े पे मारे और कहे कि प्रसिद्धि चाहिए तुमको, और प्रसिद्धि चाहिए, इसलिए सिद्धि कर रहे हो। प्रसिद्धि के फिराक में न जाने कितने मूछ वाले भी साड़ी पहन के सिंदूर लगा के दिखाई देते हैं वीडियो पर। ये तक जो है ये बेवड़ापन नहीं है तो और क्या है। न जाने कितनों पर जो है हनुमान जी आते हैं, न जाने कितनों पर कौन कौन सी देवियां आती हैं, अब ये तो भगवती ही जाने। जय माई, ये लीला है। ये रोगी रोगग्रस्त न जाने किस किस तरह से ड्रामा करते हैं। अभी एक बिहार में तेगलवा बाबा है, उसके पीछे सारी मीडिया कैमरा मोबाइल ले लेकर के सब पड़े हुए हैं अपना व्यूज बढ़ाने के चक्कर में। सार लगता है कि पत्रकारिता, जिस पत्रकारिता को हम लोग चतुर्थ स्तंभ कहते हैं, वो पत्रकारिता तेगलवा बाबा के पीछे पड़ी हुई है। शर्म आनी चाहिए ऐसी पत्रकारिता, धिक्कार है तुमको। एक ऐसे नौटंकी बाजों को तुम लोग प्रोत्साहित करते हो और नौटंकी करने के लिए विवश करते हो। अरे ऐसे नौटंकी बाज का त्याग करो, लेकिन नहीं कर सकते क्योंकि तुम लोगों को उससे व्यूज मिलता है, उससे तुम लोग की कमाई होती है। क्योंकि वह तेगलवा बाबा बोल रहा था कि ये सब जो है कमाते हैं लाखों लाखों और हमको जो है 500-400 थमा के चले जाते हैं। ये स्थिति है, जहां तुमको व्यूज मिले वहीं पर दौड़ पड़ते हो, यही पत्रकारिता हो गई है। धिक्कार है ऐसी पत्रकारिता को। समाज को तुम लोग कहां लेके जा रहे हो, असली और नकली क्या है इसका भी भेद जल्दी कोई नहीं जान पाएगा। ये नकली बाबा को तुम लोग असली कह के दिखलाते हो, ये बहुत आए तो लोग नकली हैं और जो असली बन करके काम कर रहे हैं, न जाने कहां कहां कैसे कैसे गद्दी बना लिए हैं, गद्दा बना लिए हैं बैठ करके बाबा की मुद्रा में जो है। स्वस्ति अस्तु कल्याण मस्तु, संस्कृत वाती नहीं है ये तो मैंने बोल दिया है, आप लोग इसका क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद करके आप लोग समझ जाइएगा कि किस किस तरह से ये सब जो है बेवड़ेपन में किस किस तरह से ड्रामा करते हैं और क्या क्या बोलते हैं। तो ये क्या है, प्रसिद्धि का रोग नहीं है तो और क्या है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि जिन विद्यार्थियों को पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, वे विद्यार्थी मोबाइल के युग में अब अपने को फेमस होने के चक्कर में न जाने क्या क्या कर रहे हैं। पढ़ाई गई भाड़ में, बच्चा बिना मेहनत किए विद्या नहीं आती, और तुम मेहनत करते नहीं हो, मोबाइल पर तुम वीडियो बनाते हो और दिखलाते हो कि देखो मैं भी अब बाबा हो गया, मैं भी कमाने वाला हो गया। मैं तो एक बात रिक्वेस्ट करूंगा ये जितने गुरुकुल हैं वहां पर, कि पुरुष सुख और स्वस्ति वाचन जब आप लोग पहले सिखाला देते हैं, पहले सिखलाने का नतीजा ये होता है कि वही उसी समय से वह जो है विद्यार्थी छोटी अवस्था से ही गली मोहल्लों में जो है कर्मकांड पंडिताई करने लगता है। और अब तो बागेश्वर धाम का वीडियो देख देख करके सब जो है उसी तरह से उसी भाषा में अपने मोहल्ले वालों को अब प्रेडिक्शन करने लग जाते हैं। ये हालत है कि न जाने कितने विद्यार्थी विद्या छोड़ करके अब गद्दी पर बैठना शुरू कर दिए हैं। भैया इस तरह से उपदेश देते रहोगे तो विश्वविद्यालय में पढ़ाई का कोई मोल नहीं है क्या, उसका कोई महत्व नहीं है क्या। अरे जब जप करने का समय हो तो जप करो, जब नाम लेने का समय हो तो नाम लो, लेकिन अपना जो पढ़ाई का समय है पर वायरल होने के लिए वायरस तुम्हारे अंदर घुस गया है तो दूर करो बेटा, पढ़ाई पर ध्यान दो। ये मेरा उपदेश है, एक आचार्य के नाते मैं समाज को सही दिशा देना चाहता हूं। और यह समाज इस सोशल मीडिया के कारण विकृत होता जा रहा है और तुम लोगों की जो मूल विद्या है वो छूटती जा रही है। तो विद्यार्थियों के लिए यह संदेश है कि अपनी पढ़ाई पर फोकस करो, किसी अच्छे गुरु की संगति करो, नहीं तो यह बात जान लो आज तो तुम बहुत चमक जाओगे बेटा, लेकिन 40-50 वर्ष की उम्र में जब बुद्धि में ये बात आएगी कि विद्या विहीन तुम हो गए तो इससे तुमको ही ग्लानी होगी। इसलिए पढ़ने के समय पढ़ाई करो, पढ़ते रहो, समझे, यही मेरा उपदेश है। और एक विद्यार्थी मेरे पास आया, कहा गुरुजी
हमको कोई साधना बता दीजिए। तो उसको मैंने कहा कि ठीक है, तुम तीन दिन की तुमको मात्र साधना बताता हूं, मात्र तीन दिन की साधना। तो बोला गुरु जी बता दीजिए। हमने कहा तीन दिन, इस साधना का नाम है मोबाइल बंद साधना। क्या नाम है? मोबाइल बंद साधना। तो मोबाइल बंद करके रहो, तीन दिन बंद कर दो, समझ लो कि तुम्हारी तीन दिन की साधना एक अच्छी साधना हो जाएगी। क्योंकि 24 घंटे तुम बेवड़ेपन में अपनी बुद्धि को कभी इधर कभी उधर कभी यहां कभी वहां फंसा करके रखते हो। तुम क्या कौमुदी पढ़ोगे? तुम क्या जो है व्याकरण शास्त्र पढ़ोगे? तुम क्या ज्योतिष शास्त्र पढ़ोगे? बेटा अध्यात्म शास्त्र तो तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ सकता। तो ध्यान रखो, तीन दिन की मोबाइल साधना एक बार करो, फिर एक महीने बाद फिर तीन दिन की साधना करना, फिर उसके तीसरे महीने भी तीन दिन की साधना करोगे, ये मोबाइल बंद साधना इसका नाम है, तब तुम्हारे बुद्धि में कुछ अच्छी बात आएगी, सोच विचार के बोलना सीख जाओगे, कितनी बात करें कितनी बात नहीं करें, कौन कौन सी कहानी न सुनाए कौन कौन सी कहानी सुनाए, ये सब जो है विचार होने लगेगा दिमाग में। तो सारी साधना छोड़ के तीन दिन की मोबाइल बंद साधना करो और बाकी समय पढ़ाई करो, और उन्हीं तीन दिनों में पढ़ाई की समझ तुम्हारे भीतर आएगी, समझे? तो आज इतना ही, फिर आगे आऊंगा। ओम नमः शिवाय।